एवरीवन, वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज हम आम का अचार बनाएंगे। ये 1 kg आम है, इसे मैंने रात भर पानी में भिगो के सुखा लिया है। इससे कट करेंगे, बीज के साथ कट करेंगे और मिट्टी की हंडी में अचार डालेंगे। आम का ये ऊपर वाला भाग निकाल लेंगे। इससे कट करने में काफी ताकत लगती है। ये कट हो गया है, इसका बीज निकाल लेंगे। अब इसे दोबारा से कट करेंगे। बस मैं इस तरह से 4 पीसेस कर लूंगी, मतलब एक आम में 8 पीसेस कर लूंगी। वैसे आम छोटे साइज के हैं। चलिए मैं पूरे आम कट कर लेती हूँ। आम को मैंने कट करके एक मिट्टी की हांडी में रख लिया है। चलिए मसाले देखते हैं। इसमें तेल बहुत कम जाएगा, मैंने छोटे चम्मच से 4 चम्मच तेल लिया है। लहसुन की 15 कलियां हैं, आप चाहें तो लहसुन को बढ़ा भी सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंची, 4 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच मेथी दाना, लाल मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच है, इसमें मिर्च कम जाएगी। नमक 6 चम्मच है। सारा मसाला भून लेते हैं। मैंने पैन को पहले से गरम रखा है। मेथी डालेंगे, थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ा कर लेंगे। दोबारा से गैस का फ्लेम कम कर लेंगे। मेथी का कलर चेंज हो गया है। अब जीरा डालेंगे, सौंफ और कलौंची डालेंगे, राई डालेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। ये पैन मेरा सैंडविच बॉटम है तो काफी देर तक गर्म रहता है, इसलिए मैंने गैस बंद कर लिया है। इसे ठंडा करके पीस लेंगे। मैंने सारे मसाले, राई, जीरा, मेथी पीस ली है। उसी पैन को दोबारा से गरम रखा है। तेल डालेंगे, तेल को ज्यादा गरम नहीं होने देंगे। लहसुन को मैंने पत्थर से कूट लिया है, वो डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, हींग। गैस को बंद कर लेंगे। अब ये जो हमने मसाला पीसा था वो डालेंगे, राई वाला। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है। इसे पूरा ठंडा होने देंगे। मसाले के ठंडे होने तक हम इसको नमक लगा लेंगे। बस इसको इसी तरह रख देंगे। देखिए मैंने नमक मिला के रखा था ना, आम को पानी छूटा है और ये मसाला ठंडा हो गया है। इसमें मिक्स करेंगे। मैंने इसमें मसाला डाल लिया है, उछाल उछाल के मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स हो गया है, अब एक बराबर का ढक्कन लगा देंगे उसके ऊपर, कपड़ा लगा देंगे। आप चाहें तो किसी धागे से बांध भी सकते हैं, मैं रबर डालूंगी। मेरा एक रबर तो टूट गया, मैं दूसरा वाला फिर से डालूंगी ताकि टाइट हो।
अब इसे हम 8 से 10 दिन तक धूप में रखेंगे। हर रोज इस तरह से हिलाएंगे। आप कल या परसों से भी इसे खा सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही और एक पुरानी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।